आप लोगों को कुछ पता भी है हमारे देश के अंदर इन मुसलमानों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है? ये मुसलमान कितने सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं? अब तो भैया हमारे देश के अंदर सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए। अगर ये कानून लागू नहीं हुआ ना, तो देख लेना कि आने वाले वक्त में ये मुसलमान हमारे देश में ज्यादा होंगे और फिर ये मुसलमान हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। तो भैया जल्द से जल्द इस कानून को लागू करे सरकार। दोस्तों मैं फराज मलिक एक बार फिर से आपके सामने दिन भर के तमाम वो खबरें जो आपसे छिपी हुई होती हैं वो सारी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हमारी यही कोशिश रहती है कि शाम को एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने रखा जाए जिसमें दिन भर की वो सारी बड़ी खबरें आपके सामने रखी जाएं जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है। हम ज्यादा उल्टी सीधी वीडियो बनाते नहीं है, दिन भर की एक वीडियो बनाते हैं, वो भी शाम को। उसी वीडियो में हम सारी खबरें जो जरूरी होती हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं। तो आज भी तीन चार ऐसी खबरें हैं जो आपके सामने हम रखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि इसको लेकर काफी सारी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग अगर देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब कहीं पर बात होती है तो वहां पर एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, बल्कि हजारों हजारों कमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुसलमानों से जोड़कर पेश किया जाता है अंधभक्तों के द्वारा। कहा यह जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत इसलिए है देश में क्योंकि हमारे देश का जो मुसलमान है वो बच्चे ज्यादा पैदा करता है। अगर ये कानून हमारे देश में नहीं बनता है तो अंधभक्तों की सोच के मुताबिक हमारे देश में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ये है अंधभक्तों की सोच। अब मैं आप लोगों को सरकार की सोच बताता हूं। हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ये चाह रही है कि हम अपने देश में एक ऐसा कानून लागू करें जिसके तहत सिर्फ दो ही बच्चे पैदा करें, हर इंसान सिर्फ दो बच्चे पैदा करे। ऐसा कानून लाने की मांग चल रही है और सरकार इस पर विचार भी कर रही है। खबर है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जी ला सकते हैं। उत्तराखंड में ये कानून चल रहा है और भी एक दो राज्य हैं वहां पर भी ये कानून लागू है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस कानून को लाने के लिए काफी दिनों से विचार कर रही है, लेकिन एक बार फिर से खबर सामने आई है कि हो सकता है कि बहुत जल्द योगी सरकार इस कानून को लागू कर दे। इस कानून के मुताबिक हमारे देश में जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उसके लिए बहुत सख्त कानून बना दिए जाएंगे। पहले मैं इस कानून के बारे में बता देता हूं कि क्या कानून लेकर आ रही है योगी सरकार और इससे दो से ज्यादा बच्चे वालों को क्या नुकसान होंगे। उसके बाद इसी मैटर पर अंधभक्तों को भी एक जवाब दिया जाएगा। अंधभक्तों देखकर जरूर जाना कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं ना उनकी फैमिली में कितने कितने मेंबर हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कानून के बारे में बता देता हूं। ये कानून योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में लागू करने वाली है, इस पर विचार चल रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद जो शख्स दो से ज्यादा बच्चे करेगा उसके लिए जितनी भी सरकारी सेवाएं वो बंद कर दी जाएंगी, उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा। जिस दिन से ये कानून लागू हो जाएगा उसके बाद से अगर कोई शख्स दो से ज्यादा बच्चे करता है तो उसके लिए जितने भी सामाजिक कल्याण की सेवाएं हैं वो सारी बंद कर दी जाएंगी। फिर वो कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा, ना ही ग्राम पंचायत का, ना ही प्रधानी का, किसी भी तरीके का चुनाव वो नहीं लड़ पाएगा अगर ये कानून लागू होता है तब। इस कानून के लागू होने के बाद जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वो नहीं लड़ पाएगा, जिसके अभी हैं दो या दो से ज्यादा उसको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। जिसके दो हैं या एक भी नहीं है तो उनको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का जनसंख्या नियंत्रण कानून। बहुत ही ज्यादा विचार चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के द्वारा इस कानून को लाने के लिए। अब देखते हैं कि ये कानून कब लाती है योगी सरकार, और ये कानून जब आएगा तो वो किसी एक धर्म के लिए नहीं होगा बल्कि सारे धर्मों के लोगों के लिए होगा। लेकिन हमारे जो अंधभक्त हैं जब इस कानून को लाने की बात चलती है तो वो इस मैटर में भी मुसलमानों को जरूर घुसेड़ देते हैं। बिना मुसलमानों के इनका खाना हजम नहीं होता है। अंधभक्त कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये भारत की जनसंख्या जो है ये मुसलमान ही ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इनकी नजर में कुछ ऐसा होता है। आइए मैं आप लोगों के सामने कुछ बड़े बड़े जो हमारे देश के नेता हैं उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम अपने बड़े नेता, हमारे जो देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री जी के घर में कितने लोग हैं, उनके कितने भाई बहन हैं।
आप लोगों को एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये सबसे ऊपर जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें नाम लिखा हुआ है मूलचंद्र मंगल लाल मोदी। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दादा। और इनके कितने बच्चे थे? इनके लड़के थे छह, छह बच्चे थे इनके। और उन छह बच्चों के फिर औलादे देखी कितनी थी। सबसे पहले जो थे दामोदर दास, ये नरेंद्र मोदी जी के फादर हैं। तो इनके कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5 6, छह बच्चे इनके थे। और दूसरे वालों के कितने थे? 2 4 6 8, आठ इनके थे। और तीसरे हैं उनके दो थे, फिर उनका एक था। और ये कांतिलाल है, इनके 2 4 6 इनके बच्चे थे। इस तरीके से आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि कितने कितने बच्चे प्रधानमंत्री जी के, जो चाचा ताया और प्रधानमंत्री जी के खुद सात भाई बहन हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सात भाई बहन हैं। ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अंधभक्त जो होते हैं वो हर मैटर में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। हर कानून में, हर बिल में मुसलमानों को टारगेट जरूर करते हैं। हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जो है चार भाई हैं और तीन बहनें हैं। ये भी सात भाई बहन हैं। योगी आदित्यनाथ के फैमिली में भी सात भाई बहन हैं, सात मेंबर हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की ही फैमिली में ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन इन लोगों को हर जगह नफरत फैलानी होती है क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा दिमाग तो होता नहीं है। सोचने समझने की, रिसर्च करने की क्षमता तो इनके पास होती नहीं है। तो कहीं से भी सुन लेते हैं, उसको गाना बजाना शुरू कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि सैकड़ों साल गुजर जाएंगे जब हिंदू जो है मुसलमानों से कम होंगे। हमारे देश के अंदर जब मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा होंगे ना, तो सैकड़ों साल गुजर जाएंगे तब कहीं जाकर, सैकड़ों साल। वो भी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि जब मुसलमान हमारे देश में और धर्मों से ज्यादा होंगे। लेकिन इन लोगों की सोच को क्या कहा जाए, हर मैटर में ये हिंदू मुस्लिम करते ही रहते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर आ रही है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि जो कृष्ण जन्मभूमि का मैटर चल रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। बीजेपी पार्टी या बीजेपी सरकार इस मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हाँ, राम मंदिर का जो मामला था उसमें हमने आंदोलन चलाया था, लेकिन इस मामले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो काफी सारे लोगों ने कहा कि अमित शाह अच्छी बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अंदरूनी मार बीजेपी मारती रहती है। अब एक बयान और आया है अमित शाह जी का। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो हमारे देश की गोदी मीडिया है उसकी वॉट लगा दी। हमारे देश की गोदी मीडिया ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा है, जरा आप लोग एक नजर देख लें। नहीं, इंद्रनील चक्रवर्ती सवालों से भागते हुए, इंद्रनील चक्रवर्ती सवालों से भागते हुए मुंबई पुलिस को शरण कर रहे इंद्रनील चक्रवर्ती, रिया के फादर, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक। सर, आप क्या जानते थे रिया चक्रवर्ती सुशांत को जहर दे रही थी? सुशांत के फादर ने कहा है, सुशांत के फादर ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनको जहर दे रही थी। मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, दाया पैर बाहर रखा। अरे भाई, इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूजी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास, अरे ड्रगी कौन है? देखिए, मैं ड्रग के मुद्दे को बॉलीवुड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, अब एनसीबी की जांच में जो निकलता है वो निकलेगा, परंतु इसको कोई एक सेक्टर के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। अमित शाह जी के इस बयान को सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में क्या बात आई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के पिछवाड़े पर लात मारी है। जिस तरीके से ये टीआरपी के चक्कर में उल्टी सीधी खबरें दिखाते थे, तो अमित शाह जी ने इनके पिछवाड़े पर लात मारी है। फिलहाल इनके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले, अंधभक्तों के भी और गोदी मीडिया के।